शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएमसी अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा कि प्रदेश भर के एसएमसी अध्यापकों से सरकार भेदभाव कर रही है। एसएमसी अध्यापक संघ ने सरकार को 13 फरवरी तक नियमित करने को लेकर लिखित में आश्वासन देने की मांग की है। अगर सरकार एसएमसी अध्यापकों को लेकर स्पष्टीकरण नहीं देती है तो 14 फरवरी को एसएमसी अध्यापक संघ सचिवालय का घेराव करेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को आमरण अनशन करने की भी चेतावनी दी है। देखिए सर, पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने और शिक्षा मंत्री ठाकुर गोविंद जी ने लंबे समय से पीटीए, पैरापैट, ईजीएस, एनआरएसटी जितने भी अस्थायी अध्यापक प्रदेश में कार्यरत थे उनका जब नियमित कर लिया है, उनको एक स्थायी पॉलिसी ला ली है, तो एसएमसी अध्यापकों के लिए अगर 13 तारीख तक कोई भी सरकार, देखो आश्वासन हमने मुख्यमंत्री के समक्ष हर मोर्चे पर मिले हैं, हमने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है, लेकिन अगर 13 तारीख तक हमें कोई भी एक स्टिक आश्वासन या लिखित या मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करते कि इस दिन हमारा काम होगा, तो हम जो है 14 तारीख को भारी संख्या में परिवार सहित मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए शिमला पहुंचेंगे। आगामी रणनीति देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री, हम माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो हमारी मांगों को अवश्य सुनेगा और 2555 अध्यापकों के हितों के लिए एक ऐसा फैसला लेंगे जो पूर्व 10 वर्षों से नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आगामी माननीय मुख्यमंत्री इस विषय में उस दिन कोई भी स्पष्टीकरण नहीं होता है, हमारे विषय में कोई भी निर्णय नहीं होता है, तो हम जो भविष्य में इस पर जल्दी से निर्णय करेंगे और जहां तक हमारी योजना के अनुसार है हम जो है क्रमिक अनशन करें, क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री से 13 या 14 फरवरी को मिलने के लिए शिमला आएंगे तो क्योंकि हमारे समर में कम से कम 1200 के अध्यापक कार्यरत है जो पूरी परिवार से शिमला आएंगे और 1200 अध्यापक जो कम से कम 150 स्कूलों में शिक्षा का कार्य संचालन कर रहे हैं वहाँ तक पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। मुख्य मांग हमारी है कि 2555 एसएमसी अध्यापकों को नियमित किया जाए, क्योंकि पूर्व में अगर पीटीए, पैरापैट, ईजीएस, एनआरएसटी अध्यापक जो 2009 आर्ट एक्ट के नॉर्म्स के अनुसार भी नियुक्त नहीं हुए थे वो रेगुलर हो सकते, तो एसएमसी अध्यापक क्यों नहीं है? क्योंकि एसएमसी अध्यापकों की नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 के प्रोविजन के तहत, आरएनपी नियमों के तहत हुई है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।